गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन बताया था, उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। यह पार्ट टू वीडियो है, इसके पहले मैंने पार्ट वन वीडियो अपलोड किया था, उसमें 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने बताया था और इसमें 10 क्वेश्चन मैं बताऊँगा। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छा से देख लेंगे और याद कर जाएंगे और सारे प्रश्नों को जरूर लिख लेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रथम चैप्टर से। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस वीडियो में मैं आपको 11 नंबर से 20 नंबर तक 10 प्रश्न बताऊंगा, 10 प्रश्न बताऊंगा। इसका पार्ट वन वीडियो जिसमें मैं 10 प्रश्न बता चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा और इसको भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे ज़रूर आप याद कर लेंगे। ठीक है, दिया है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल एफ न्यूटन है, इससे आधी दूरी पर दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। यानी कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं, यानी मानते हैं आधी दूरी पर ही हो सकते हैं, जिनके बीच लगने वाला बल एफ है। यदि आर से आधा दूरी यानी आर बाई टू दूरी पर दो प्रोटॉन रख दिया जाए तब बल एफ का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, लिखा जाएगा कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल एफ बराबर क्या होता है, 1/4 πε₀ Q1 Q2 r2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 πε₀ क्या है, 84 है, और Q1 Q2 भी क्या है, 84 है। आप पढ़े होंगे कूलम्ब के नियम के अनुसार यदि दो आवेश Q1 और Q2 दिए गए हों तो दोनों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 πε₀ Q1 Q2 r2। अब यहाँ 4 πε₀ और Q1 Q2 क्या है, 84 है, तो 84 है तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा 1/r2। यानी एफ समानुपाती 1/r2 का मतलब हुआ कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, अब एक और बात याद करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर क्या होता है, आवेश समान होता है। तो यहाँ आप जान गए इस एफ बराबर 1/4 πε₀ Q1 Q2 r2 से पता चल गया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया एफ समानुपाती 1/r2। तो यहाँ क्या कीजिए, यह हो गया दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल मानते हैं एफ वन है, ठीक है, और दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल मान लीजिए एफ टू है। ठीक है, इसलिए एफ टू बटा एफ वन क्या हो जाएगा, R1/r2। क्यों, क्योंकि बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती उल्टा, जैसे F2/F1 किए तो F2 ऊपर है, F1 क्या है, नीचे है, तो R1 ऊपर चला जाएगा, उल्टा व्युत्क्रम अनुपाती व्युत्क्रम होगा, तो R1 बटा क्या हो जाएगा, R2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी वर्ग यहाँ दिया। ठीक है, अब यहाँ R2 का जो मान कहता है कि प्रोटॉनों के बीच का दूरी क्या है, आधा है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, यानी R1 की अपेक्षा R2 का मान क्या है, आधा है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1/2। तो देखिए R1/2 मैंने यहाँ लिख दिया, R1 से क्या होगा, R1 कट जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना कर दिए तो F2 बराबर क्या हो गया, 4F1 आ गया। अब यहाँ F1 प्रथम दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल है, तो F1 बराबर क्या है, F दिया गया, तो F मैंने रख दिया, तो F2 बराबर क्या हो गया, 4F आ गया, यानी दो प्रोटॉनों के बीच का जो बल होगा वह 4F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए और समझ कर बनाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है, यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तब उनके बीच बल कितना रहेगा। यहाँ दिया गया है कि दो आवेशों के बीच जो बल है वैद्युत बल वो F है, यदि इन आवेशों को यदि जल में रख दिया जाए, जहाँ K का मान 80 हो जाता है, जल का K का मान क्या है, 80 है, तो यह बल कितना होगा। यानी ऐसे खुले में क्या है, बल एफ है आवेश के बीच, लेकिन उसी आवेश को
जल में डाल देंगे, उतनी ही दूरी पर रखेंगे, तो बल का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए, याद रखिए, दो बिंदु आवेश के बीच स्थित बल एफ है, एफ दिया गया है। और मान लीजिए जल में रखने पर, मान लीजिए जल में रखने पर दोनों बिंदुओं के बीच स्थिर वायु बल एफ एम हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा, मैंने मान लिया बराबर एफ एम। और फॉर्मूला होता है कि किसी मीडियम में, एफ एम का मतलब क्या है, किसी माध्यम में दो आवेश के बीच लगने वाला बल एफ बराबर होता है एफ बटा के, एफ बटा हो जाएगा के। तो यहाँ क्या के का मान देखिए, मैंने लिखा है एफ एम बराबर एफ बटा के, तो के का मान क्या दिया गया है, 80 दिया है। तो क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर एफ बटा 80, यानी किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ एम बराबर एफ बटा हो जाएगा 80, ठीक है, एफ बटा 80, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बोल्ट याद करें, इलेक्ट्रॉन ई भी जो है यह ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। देखिए कहा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक बोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक बोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक बोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट कहा जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट बड़ा होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है, यह फॉर्मूला हो गया, इसका मान हो गया 1 eV का मान, इसको याद कर लेंगे। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हो, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। देखिए, कूलाम के नियम का एक रूप जान लीजिए, कूलाम ने बताया था कि यदि दो आवेश Q1 Q2 दो आवेश हैं, Q1 और Q2 दो आवेश दिए गए हैं, तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, समान और विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, जितने उनके पावर होंगे उतना बल लगेगा। यदि इस बल को F1 देते हैं और इस बल को मान लेते हैं प्रथम आवेश द्वारा लगने वाला बल F1, दूसरे आवेश द्वारा लगने वाला बल F2, ठीक है, तो इसका दिशा Q1 से Q2 की तरफ होगा, अब दूसरे का दिशा Q2 से Q1 की तरफ होगा, दिशा बदल जाता है। तो इसलिए इसको लिखा जाता है F1 बराबर F2 जब देंगे तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस का मतलब दिशा विपरीत हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया F12 बराबर -F21, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, F12 बराबर -F21, इसका मतलब हुआ, देखिए, अतः बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत वैद्युत बल बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत वैद्युत बल के परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये भी देखिए 15 और 17 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता है, तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है, इसलिए ई बराबर हो गया एफ बटा Q0, जहाँ Q क्या है, आवेश है, Q परीक्षण आवेश है, ठीक है। अब यहाँ बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसका मात्रक कूलाम, अतः वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए, जिसमें मैंने लिखा है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ आवेश का मान दिया गया है और कितना न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा ये बताना है। अभी परिभाषा क्वेश्चन पहले दिए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, देखिए यहाँ क्यू बराबर दिया गया 1.5 × 10³ कूलाम, एफ का मान दिया 2.25 न्यूटन हो गया, तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा क्यू,
ई बड़ा होता है ए बटा क्यू, ठीक है। तो एफ का मान मैंने रख दिया और क्यू का मान यहाँ मैंने रख दिया, और एफ में क्या कीजिए, इसमें 2.25 में 1.5 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1500 न्यूटन प्रति कूलम आएगा। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे हल कर लेंगे, देखिए 2.25 दिया ना, अब यह 10^3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10^3 प्लस में हो जाएगा बटा 1.5, ठीक है। अब यहाँ कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 हो जाएगा, 250 बटा हो गया 1.5। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो हो गया 2500, ये 10 हटा देंगे, बटा हो गया 15, 2500 में 15 से भाग दे दीजिए, ये होगा 2250 था, ठीक है। तो यहाँ 2250 पर एक और 0 बढ़ेगा बटा 15, अब इसमें भाग दे देंगे, जैसे भाग देंगे तो क्या होगा आपका 1500 आएगा, ठीक है। भाग देकर देख लीजिए, यह हो जाएगा बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 5.0 × 10^-8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा। देखिए यहाँ दिया है, आवेश दिया गया है और यह तीव्रता का मान दिया गया है, तीव्रता का मान दिया है तो दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी पर यह तीव्रता इतना होगा। ये देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखिए जो दिया है उसका लिस्ट बनाइए, दिया गया है क्यू बराबर 5.0 × 10^-8 कूलम, ई बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर, और ई बराबर हम जानते हैं सूत्र होता है ई बराबर 9 × 10^9 × Q/r² फॉर्मूला, इसको याद कर लेंगे। ये 9 × 10^9 किसका मान है, 1/4 πε₀ का मान होता है 9 × 10^9, इसको आप याद कर लेंगे, 9 × 10^9 1/4 πε₀ का ये मान है, तो Q/r² हो गया। हम इसको क्या है क्रॉस गुना कर देंगे, या पहले मान रख लीजिए, जैसे e का मान दिया गया है इसमें 450, देखिए e का मान रखा गया 9 × 10^9 × q का मान 5.0 × 10^8 हो गया। अब क्रॉस करेंगे इसको तो देखिए r² यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और 450 r² के स्थान पर आ जाएगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक। और इसको इसको मल्टीप्लाई करके 45 कर दिए, इसको मैंने काट दिया तो कितने बढ़ते कटेगा, 10 बढ़ते 10 से 10 कटेगा, कितना बचेगा 1, यानी r का मतलब क्या हो गया, r का मान कितना आ गया 1 मीटर, r का मान आ गया आपका 1 मीटर। अतः दोनों यानी तीव्रता जो होगा, दूरी जो होगा आवेश से, वह 1 मीटर होगा, आवेश से दूरी तीव्रता की 1 मीटर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान बाह्य क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान बाह्य क्षेत्र में रखे गए हैं तो किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। तो देख लीजिए सिंपल रीजन है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा। तो कहा जाए इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित कण के भार को एक बाह्य क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। फिर से क्वेश्चन समझिए, देख लीजिए, पूछा है 2009 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है, एक आवेशित कण के भार को किसी वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो कहा जाए कण पर, आंसर लिखिएगा, कण पर आवेश की प्रकृति के अनुसार उस पर वैद्युत क्षेत्र ऐसी दिशा में लगाकर ताकि उसके कारण कण पर लगने वाला वैद्युत बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अर्थात कण के भार के विपरीत दिशा में कार्य करे तथा परिणाम में इसके बराबर हो, तब इसके भार को संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कण पर आवेश की प्रकृति के अनुसार उस पर वैद्युत क्षेत्र ऐसी दिशा में लगाकर ताकि उसके कारण कण पर लगने वाला वैद्युत बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अर्थात कण के भार के दिशा में कार्य करे तथा परिमाण में इसके बराबर हो, तब आवेश के भार को एक बाह्य क्षेत्र द्वारा संतुलित किया जा सकता है। नीचे जोड़ दीजिएगा, तब एक कण के आवेशित कण के भार को बाह्य क्षेत्र द्वारा संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।
अगर कोई खोखला गोला है जो आवेशित है तो इसके भीतर तीव्रता, याद रखें खोखले गोले के अंदर जितनी भी तीव्रताएं होती है, ई का वैल्यू जो होता है वो हमेशा शून्य होता है, यानी आवेशित खोखले गोले के अंदर तीव्रता का मान हमेशा शून्य होता है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रह लेते हैं, इतना पहले आप लोग याद कर जाइए, फिर हम लोग कल अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।